हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप अपने गूगल ड्राइव में कैसे पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो हमेशा के लिए। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक आपके गूगल ड्राइव में आपका फ़ोन का जो फोटोज़ कोई भी फाइल आप अगर अपलोड करके रखते हो तो वो सेफ रहेगा। तो कैसे करना है, कैसे क्या नहीं, तो वो सब जानने के लिए अंत तक वीडियो देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल ड्राइव में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ड्राइव करके लिखे हैं, तो वहाँ पर से इधर देख रहा होगा आपको एक प्लस का आइकन, तो आपको प्लस में क्लिक करना है। जैसे कि तो यहाँ पर आपको फोल्डर अपलोड स्कैन गूगल डॉक्स गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स, तो आपको अपलोड पे क्लिक करना है। सिंपली अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पर से मैं कोई फ़ोटोज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपलोड करने के लिए। तो ये रहा वो पिक्चर, तीन पिक्चर सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए ये होने लगा अपलोड। तो बिल्कुल इजी है अपलोड करना, लेकिन इस पर एक मुसीबत है दोस्तों। क्या आपको मैं बता देता हूँ, एक मुसीबत यही है कि अगर आपका ईमेल आईडी का पासवर्ड जो है ना वो आप अगर भूल गए तो ये कभी नहीं होगा। आप अपलोड तो करेंगे सही है, ठीक है, लेकिन अपलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा अपने ईमेल से। वो ईमेल के साथ ही गूगल ड्राइव काम करता है, मतलब एक ही साथ रहता है। तो अगर आप ईमेल पे लॉगिन कर पाओगे तो ही आप अपने जो भी फोटो जो भी डेटा सब अपलोड करके रखोगे तो उन्हें एक्सेस कर पाओगे। तो हमेशा आप ये याद रखिए कि अपने फ़ोन की जो ईमेल की पासवर्ड है वो हमेशा याद रखिए, कहीं नोट करके रख लीजिएगा। तो आप अपलोड करना तो सीख गए होंगे आप। तो यही था सिंपल सा वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए तो उसका वीडियो मैं बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।